अरे अरे जरा संभल कर चलो। लगता है ये नया है। ये स्प्रे तो वेस्ट हो गया। वेस्ट क्या हुआ, चल चलते हैं। ये कौन है? लगता है रास्ता भटक गया होगा। लगता है ये बहुत चालाक है, इससे हमें बचकर निकलना होगा। मैं तीन तक गिनूंगा, तब तक हमें भागना चाहिए। तीन नहीं तो वन ही बोल तो भी भागूंगा। वन। अरे मार डाला, कमर तोड़ दी रे यार। मेरी कमर तोड़ दी तूने। सपना देखते हुए गिर गया। तेरा सपना भी अजीब है, कभी पूरा नहीं होगा, उल्टे सीधे सपने देखता है। अरे मेरा फोन। अबे सुन बे, मेरा सपना पूरा होगा, मुझे यकीन है। तू पागल हो गया क्या? ए तू आज भी उसी शैडो मैन का सपना देखता है क्या? अरे हाँ, शैडो मैन का सपना। वो बराबर वक्त पर ही आता है और मार कर चला जाता है। अबे तूने उसके हाथों से मार खाने का फैसला कर लिया क्या? शैडो मैन, कमर तोड़ दी रे। अबे जन्म लिया तो मरना पड़ेगा ना, या तो ऊपर वाले के हाथों से, नहीं तो अपने कर्मों की वजह से। लेकिन उससे पहले डून स्टाइल या फिर ओशन इलेवन स्टाइल से हमें एक रॉबरी करनी है। स्ट्रॉबेरी नहीं बे, रॉबरी। अच्छा ठीक है, अभी सो जाओ आराम से। क्या स्ट्रॉबेरी रॉबरी बातें करता है ये। अबे अब्दुल, मुझे काली नहीं दूध की चाय चाहिए। हाँ दूध तेरा बाप लेकर आता है ना बे। सुन विनी, दूध लाने के लिए पैसे है नहीं और तुझे धूम स्टाइल में रॉबरी करनी है। तू सपना देखते हुए मेरे ऊपर गिर गया था, और कुछ तो नहीं हुआ था ना? अबे तुम लोग जैसे सोच रहे हो उतना आसान नहीं है ये बैंक ज्वेलरी रॉबरी, समझे? उसके लिए वेल प्लानिंग होनी चाहिए। बाहर जा। इसलिए हमें छोटी मोटी चोरी करके पहले फाइनेंशियली इंप्रूव होना होगा। कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। हम क्या ऐसे हालात में चोरी कर सकते हैं?
इसलिए तो हम ऐसी बात कर रहे हैं, हमारा लुक उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। कभी भी हमें रॉन्ग नहीं होना चाहिए। रॉन्ग मतलब? अबे रॉन्ग मतलब हमारे लुक में चोर नहीं नजर आना चाहिए। किसी भी एंगल से देखो चोर जैसा ही दिखता हूं। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। तो इसलिए आज से हमें फ्यूचर में बड़ी रॉबरी करने के लिए छोटी मोटी चोरी करनी होगी। चीयर्स। तू भी चीयर्स करना। शक्कर भी खत्म हो गई है, ले आएगा तो मेहरबानी होगी। भाई रोको ना थोड़ा सा। ब्रदर, बेटा मेरी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है, दूसरे जंक्शन तक छोड़ दो ना मुझे प्लीज। बैठ जाइए। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, बैठता हूँ। आराम से आराम से। चलो बैठ गए ना। चलो चलो। हाँ, दो चक्के पे चलने वालों को मानना ही पड़ेगा, मैं तो बिना गाड़ी के कभी भी घर से निकलता ही नहीं हूँ। वो क्या है मेरा स्टेटस ना, उससे कम तो होना ही नहीं चाहिए। बेटा तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? चाचा आप सुपर हो। सही कहा, आपके स्टेटस के हिसाब से आपको कार ही चाहिए। मैं तो मजाक कर रहा था। चलिए उतरिए, मुझे जाना है। तो तुम मजाक क्यों कर रहे हो बेटा, जरा गाड़ी तो आगे बढ़ाओ। हाँ, आप अगर चुपचाप बैठोगे तो मैं आपको घर पे छोड़ूंगा। ऐसा? नहीं तो जंगल में कहीं छोड़ूंगा। तुम तो बहुत मजाक करते हो। चलो चलो चलो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ। अच्छा बेटा, तुम काम क्या करते हो? मैं आईटी फील्ड में हूँ। मेरा बेटा इंजीनियर है। हाँ, वो अमेरिका में रहता है। ओह, उसकी शादी अगले हफ्ते ही है। मैं आज रात को फ्लाइट पकड़ के मुंबई जा रहा हूँ उसके रिलेटिव से मिलने के लिए। अच्छा, हमारे कुछ रिश्तेदार ना वहीं रहते हैं। ओके। मैं उन्हें शादी में बुलाना चाहता हूँ। चार पांच दिन में मेरा बेटा अमेरिका से घर आ जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये आ गया आपका घर। तुमने मुझे घर तक छोड़ दिया है, चलो अंदर चलो ना। नहीं, और किसी दिन आऊंगा, मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। एक दिन ऑफिस में 5 मिनट लेट हो जाओगे तो कोई तुम्हें ऑफिस से नहीं निकालेगा। चलो अंदर चलो, आओ। सुनो, ये सब सारा सामान ना मेरा बेटा अमेरिका से लाया हुआ है। इस घर में और कोई है क्या? घर में एक सर्वेंट रहती थी, वो सही नहीं थी, इसीलिए पिछले हफ्ते मैंने उसे काम से निकाल दिया। अच्छी बात है। क्या नहीं, कुछ कहा था क्या? नहीं, आपने अच्छा काम किया ये कहा। आज तक बेटा हमने किसी पे भरोसा नहीं किया, लेकिन तुमने अभी तक अपना हेलमेट क्यों नहीं उतारा? हाँ, कितनी देर से तुमने हेलमेट पहना, चलो उतारो। मैं ऑफिस पहुंचने तक हेलमेट बिल्कुल नहीं उतारता, पहले से इस नियम का पालन कर रहा हूँ मैं। ठीक है। अच्छा ये बताओ तुम क्या पियो? मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है, बाद में देखते हैं। शर्मा क्यों रहे हो, चलो पीते हैं। हाँ, अरे गाड़ी चलानी है, पीना नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। ये मेरे बेटे के शादी का कार्ड है, तुम मेरे लिए खास हो इसलिए मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ। तुम मेरे बेटे की शादी में आना जरूर। हाँ, किसी भी हाल में जरूर आऊंगा मैं। ओके। वाह, कितना बढ़िया लड़का है ये। शहर में फिर से चोरियां बढ़ने लगी हैं। ताला लगे हुए घर में घुसकर सोना और पैसा चुराया गया है। गोरेगांव के बांगुर नगर इलाके में ये घटना घटी है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए। मैं अमेरिका से थोड़े कॉस्टली आइटम लेकर आया था, वो गया और थोड़ा कैश भी गया। आप एक छोटे लड़के से लिफ्ट मांगकर अपने घर तक पहुंचे, ऐसा पुलिस का कहना है। ये क्या कह रही हो, उसे छोड़ो, बहुत ही अच्छा लड़का है वो, इसके ही उम्र का होगा, बहुत सीधा साधा था वो। अभी तक चोरों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, पुलिस का कहना है कि पुलिस छानबीन कर रही है।
पिछले कुछ दिनों से फोन करके इस लड़की से यहीं पर मिलता है। प्रेमी प्रेमिका का मिलन यहीं होता है। अच्छा ये बात है, ठीक है। बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये भाई डील करेगा ना, तुम परेशान मत हो। आंसू पोंछने के लिए हम लोग हैं ना, तुम क्यों रिस्क ले रहे हो? मुझसे सवाल करने वाले आप कौन है? ये इस ब्लॉक का मामला है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं हूँ, जाइए। इसकी जिंदगी के बारे में कुछ ना जानकर इसकी झूठी बातों पर यकीन करते हो? तू घर वालों को छोड़कर आई है ना, पढ़ने क्यों जाते हो तुम जैसे लोग? पढ़ाई लिखाई करके भी बर्बाद। दिखता हीरो की तरह है, कहता है कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ये मुझे बहुत प्यार से रखेगा, यही कहा था इसने। मैंने कौन सा गलत कहा, सही तो कहा था। थोड़ा सा शाहरुख खान नहीं दिखता हूँ मैं? इस आदमी से हर रोज मिलती हो क्या तुम? मैं इसे कॉलेज जाते वक्त रोजाना मिलती हूँ, ये लस्सी शॉप में जूस बनाता है। मैं नहीं जानती थी कि ये धोखेबाज है। चलो अपने फोन से अपने बाप को फोन करो, जल्दी करो। हेलो, सुनो आप फौरन कंप्रेसर हाउस के पास आ जाओ, यहाँ आपकी बेटी है। हाँ भाई, शाहरुख खान बायोलॉजिकल नाम क्या है? कालिया। कालिया? कालिया, काला रंग वाला कालिया। ए यू चीट, तुमने मुझे टच मी कहा था ना? टच मी, टच मी, किस मी, किस मी, बात करूं छोड़। तेरे घर में कौन कौन है? मेरे घर में बीवी और तीन बच्चे हैं। मतलब तू भी कम खिलाड़ी नहीं है। चल बीवी को फोन कर, बीवी को फोन करना। सर वो मासूम है सर, ये बात उसे पता चलेगी तो नाराज हो जाएगी, सह नहीं पाएगी बेचारी, बीमार पड़ जाएगी। क्या क्या बीमारी है उसको? 4 महीने की गर्भवती है। बेटी, बेटी रूपा, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? मैंने अपनी बेटी को बहुत लाड़ प्यार से पाला है और किसी ने मुझे फोन करके कहा कि ये यहाँ मुसीबत में है। अब पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। अगर इसने कोई गलती की है तो इससे पूछताछ करने वाला इसका बाप है ना, तुम इससे पूछताछ करने वाले कौन हो? मामाओं की भाई हो? आप पूरी बात तो सुन लीजिए। एक शादीशुदा आदमी जिसके 3 बच्चे हैं उसके साथ भागने जा रही थी। हाँ? ओहो, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम हमारे एरिया के हो ही नहीं। हाँ? अभी इस मामले को सॉल्व करते हैं, चलो हाँ? हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं। नहीं नहीं, हेलो, ये छोटी लड़की की बात है, हम बात कर लेंगे। क्या बात कर लोगे? तुम्हारा पैर पकड़ना पड़ेगा क्या? अरे बड़ा आया पुलिस बनने वाला, चल तुझे समझ में आ जाए। अरे चलो, चलो बेटी आ जाओ, बड़े आए नाटक दिखाने वाले, सब लोग आइए। सर आप बंदर का फोटो क्यों बना रहे हो? बंदर का नहीं है, हा? ये मेरे बाप का है। आपके पापा बंदर की तरह हैं क्या? सुनो मोहन, एक बहुत ही हैंडसम आदमी गॉगल पहनकर यही आ रहा है। हाँ, जो आ रहा है वो कोई जानवर तो है नहीं। सर, मेरी परमिशन के बिना किसी को अंदर मत आने देना। ठीक है सर। सभी यहाँ खड़े हो जाओ। अपने स्टेशन में नया चार्ज लिया है इन्होंने, नाम है एसआई हनीफ, बहुत कड़क ऑफिसर हैं सर ये। यार कब से पता नहीं था मुझे। हाँ भाई तुम इधर आओ। आता हूं। देखो इस देश में हजारों प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या तुम हर प्रॉब्लम में टांग अड़ाओगे? इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने पगार देकर हमें यहां ड्यूटी पर लगा रखा है, इसलिए फिलहाल तुम निकलो। देख क्या रहे हो, चलो निकलो यहाँ से, चलो जाओ जाओ जाओ। इधर अबे, जाना बुला रहे हैं। नमस्ते सर। ये शाहरुख खान का नाम तूने कैसे रख लिया? ये मेरा निकनेम है सर। और कितने निकनेम्स है तेरे? 3। इधर इधर, इसे 3 बार मार। इधर आ, जा जा, आ ना, थोड़ा झुक जा। अरे हो गया सर। जोर तो लगा क्या? आप इधर आइए। तो उस वक्त क्या कहा था आपने कि आप अपनी बेटी को बहुत लाड़ प्यार से पाल रहे हो, पर अब जरूरत है इसे थोड़ा मार के समझाने की। अब ठीक से पालना आता नहीं है और बात करते हैं सेंटीमेंट्स की। सुनो, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करनी चाहिए, समझे? बाकी चीजों के लिए बाद में वक्त मिलेगा। देखो इस पर केस बनाने की जरूरत नहीं है, लेटर लिखवा कर छोड़ दो इसे, लेकिन इसका एड्रेस अच्छी तरह से नोट कर लेना और इसकी फोटो भी निकाल लेना। ओके सर। ये सर तो सबको नचा कर रहेगा।
ना देखे तो शाहरुख खान, देख लिया तो कालिया। अच्छी बात है। अच्छा सुनो, हमें कम से कम एक साल यहाँ पर रहना होगा। आपको हरिश्चंद्र बनने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी कुछ बातें सुनकर अनसुनी करने की बहुत जरूरत होती है। सुनो, यहाँ मैं सिर्फ 3 साल में ही अपनी एक अच्छी खासी पहचान बना सकती हूँ। जो हुक्म रजिया बेगम। देखो, दूसरों के दांत तोड़कर जीने की नौबत तो आई नहीं है हम लोगों की अभी तक। और तुम एक फेमस डॉक्टर बनके एस्टेब्लिश होना चाहती हो ना, बस यही ना, तो ये काम तो मैं आसान कर दूंगा तुम्हारा। ये आप कैसे करेंगे साहब? ये चोरों को पकड़ेंगे और उनके दांत तोड़ देंगे, उसके बाद नए दांत लगवाने के लिए उन चोरों को ये मेरे पास ही भेजेंगे। क्यों, सही कहा ना मैंने? ओह कितनी गर्मी है। मेरी मेरी बात सुनो तो। हाँ? ये बहुत अच्छा है। ये मेरा बेटा अमेरिका से लाया है, प्योर गोल्ड है। तुमने फादर की बातें सुनी क्या? जरा देखो ना, आजकल भले लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है। ए, तुमने वो गाड़ी देखी? हाँ? बहुत क्लासिक है। हाँ? और हाँ, हम जैसे क्लासी लोग यही गाड़ी यूज करते हैं। तुम यही रुको, मैं अभी। हाँ हाँ ठीक है। ओह, 2 मन्नतें मांगनी थी, मांग ही नहीं पाई। भगवान, सारा गोल्ड मुझे दिला दे। हे ईश्वर, हमारी रक्षा करना। अरे वाह, सबके सब गोल्ड ही लग रहा है। मेरी प्रार्थना सुन लो ईश्वर। हे भगवान, इन सब की हिफाजत कैसे कर पाऊंगा मैं? मेरी और मेरे परिवार की हिफाजत करना ईश्वर, और ये सोना डायमंड में बदलवा दो। ये देखो, सोने को डायमंड में बदलवा रही है, कमाल है ये भी। अरे इंसान को सोने नहीं देते। गुड मॉर्निंग मैडम, आई एम जैकी, एलियस जैकी, सागर चैरिटेबल ट्रस्ट से आया हूँ। एक मेडिकल कैंप लगा हुआ है। सागर, एलियस जैकी, आप मरीजों को दवाइयाँ फ्री देते हैं ना? बिल्कुल मैडम, हम समाज की सेवा करते हैं, हमारे ट्रस्ट का यही काम है। हम घर घर जाते हैं और डायबिटीज के रोगियों को ढूंढ कर उनका फ्री टेस्ट करते हैं और उन्हें दवाएं भी फ्री में देते हैं। अगर आपकी नजर में कोई ऐसा मरीज है तो आप हमें बता सकती हैं। तो आप सब फ्री में ही देते हैं ना? फ्री? हाँ, पता नहीं क्यों आजकल मेरा बीपी बहुत बढ़ने लगा है। हाँ? वो मुझे चेक करना है। अच्छा, आओ अंदर आओ ना। हाँ, आओ, जरूर, आओ। जरूर। ये वाला, इतना सारा सामान। हाँ? मैडम, आपके शरीर से एक भी बूंद खून ना लेकर प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब कुछ चेक करने वाला ये एक अनोखा मशीन है मैडम, ये देखिए। ओ बहुत अच्छा है। हाँ? इस मशीन के डेमोंस्ट्रेशन के लिए ही हम लोगों ने मेडिकल कैंप रखा हुआ है। हाँ, हाँ? अच्छा? मैडम आप जरा कुर्सी पर बैठेंगी, एकदम आराम से। ठीक है, थैंक यू। कैसा? ओके, तकलीफ तो नहीं है ना? अब इसे दबाते रहिए। ओके, आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से देखा जाए तो उस हाथ को भी बांध दिया जाए तो आपका बीपी और अच्छे से चेक हो जाएगा। हाँ ठीक है, बांध दो ना। हाँ ठीक से बांधना। हाँ, मुझे प्रेशर कितना है देखना है। कभी नहीं खुलेगा, आराम से, जोर से। और ये इसे दबाते रहिए सुकून से। ओके, ये तो बहुत ही अच्छा है। अरे वाह। ओके, इसमें करंट क्यों नहीं है? ये तो कुछ अजीब सी मशीन लग रही है। ठीक ही होगी मैडम। कोई कपड़ा मिलेगा क्या? कपड़ा क्यों? उससे अगर आपके चेहरे को पोंछ देंगे तो आपके अंदर एक फ्रेशनेस आ जाएगी। फिर हम करेक्ट प्रेशर जान पाएंगे मैडम। ओ कपड़ा चाहिए? कपड़ा वहाँ वहाँ रखा हुआ है, देखो देखो। थैंक यू, थैंक यू। मुंह खोलिए, थोड़ा और। सोना आपके शरीर पर रहेगा तो आपका प्रेशर लो बताएगा। अभी मैं आपको हाई प्रेशर करता हूँ। इतना सोना पहनकर घर में रहती हो तो क्या होगा तुम्हारा? ये रखो। अरे हर जगह सोना पहन रखा है, उंगली तुम्हारी काट दूं क्या? हाँ? काट दूंगा तो बड़े आराम से निकल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं काटूंगा नहीं काटूंगा। ये भी निकालो। हमारे पास ये सब नहीं होता है मैडम, हम गरीब लोग हैं मैडम। ये लीजिए विटामिन की गोली मेरी तरफ से फ्री, खा कर सो जाइएगा। ये डकैती चोरी होने वाले फोटो है ना? हाँ, ये लो, इसको रखो। इसे ऐसे किस चीज से बनाया है? ये कोयले से बनाया है लगता है सर, किसी पेंटर ने बनाया होगा। नहीं, कुछ पेंटिंग ऐसी ही होती है। ये वो लोग हैं जो दिन में चोरी करते हैं प्लान करके,
और रात को दूसरी गैंग वाले आके चोरी करते हैं। दोनों के चोरी करने का तरीका एकदम अलग है, इसलिए जहां जहां भी चोरी हुई है उस घर के आसपास सिक्योरिटी और बढ़ा दो। यस सर। और नाइट पेट्रोलिंग भी बढ़ानी होगी। सर, जिस घर में चोरी हुई है उस घर में हम सीसीटीवी कैमरा तो लगा सकते हैं ना। सीसीटीवी कैमरा? कैमरा लगाने की बात कर रहा है सर। जी सर, सीसीटीवी। अगर सीसीटीवी, हाँ सर, अगर उसे लगा दिया तो हम चोर को पकड़ सकते हैं, फिर रात में वहाँ जाने की क्या जरूरत है सर। काम के वक्त सिर्फ काम करो, मजाक नहीं। हम लोग अगर एक साथ खड़े रहे तो कहीं भी शहर में चोरी होती है फिर चाहे वो कोई भी इलाका क्यों ना, हम उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। हमें भी प्लान बनाना होगा। जी। और सुनो, हमें हर हाल में हमारी पेट्रोलिंग को और बढ़ाना होगा। और हाँ, जैसा तुमने कहा सीसीटीवी कैमरा, वो भी लगवा देंगे। ओके। मेरी नमाज का वक्त हो गया, मैं आता हूँ। तब तक तुम लोग प्लान के बारे में सोचो। हाँ जी सर। ओके जी सर। कैसा आदमी है यार ये। अरे भौंका तो मैंने था, तू क्यों बाहर आ गया? अब ये तो सामने आ गया, क्या करूं मैं? अरे लीवर, लीवर हाथ में है। अच्छा हो गया, ये लीवर मेरे पास है, अच्छी बात है। ए भगवान, ये अंधी है क्या? अरे अब क्या करें? अरे अरे भाग! चल भाग, तेरी तो। अरे रोजी बेबी, तुम यहां पर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? ओ, कोई बात नहीं, मैं ही देख लेता हूं। अरे बेबी क्यों डर रही हो? तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो बेबी? और करीब आओ ना अंकल, हटिए। अरे कब तक अपने अंकल से झूठ बोलती रहोगी? अरे पास आओ ना प्लीज। अरे आओ ना। क्या कर रही, छोड़िए मुझे। नहीं छोड़ूंगा, सिर्फ एक रात की तो बात है, प्लीज आओ ना, छोड़िए प्लीज। आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें पाकर ही रहूंगा। आओ ना। छे, तुमने सब खराब कर दिया, फिर शुरू से करना पड़ेगा। दुष्ट हो, गैर जिम्मेदार, इडियट। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, और तुम हो कौन? मैं कौन हूँ? अबे तेरी बेटी की उम्र की है वो लड़की, उसका हाथ पकड़ते हुए तुझे शर्म नहीं आती? मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, तू पूछने वाला कौन है? और खाएगा तभी समझेगा। अरे सर, इस तरह से मेरे चेहरे पर मत मारिए, मेरा चेहरा खराब हो जाएगा। आइंदा अगर इस लड़की पर हाथ उठाएगा ना तो तेरे हाथ काट दूंगा, अगर उस लड़की पर नजर रखेगा तो मैं तेरी आंखें फोड़ दूंगा। समझ गया सर, अब कुछ नहीं करूंगा। तुम चिंता मत करो, आराम से सो जाओ, अगर अभी ये तुम्हें तंग करेगा ना तो मुझे फोन करके बता देना, वो पेन इधर दो। इस उम्र में भी मुझे मार खाना पड़ रहा है, अब ये क्या लिख रहा है? अरे बाप रे, बहुत दर्द कर रहा है। यहाँ मेरा नंबर, अब क्या करूं? चलो जा। कौन मैं? चल। अरे चिंता मत करो रोजी, मैं बाहर सो जाता हूँ। अरे भाई धक्का मत दो। गुड नाइट।
कब मरा ये? कल रात को मरा। हुआ क्या था? कुछ भी तो नहीं हुआ था, चिकन मटन गले तक खा लिया था, अचानक हार्ट अटैक आ गया, हॉस्पिटल ले जाते वक्त रास्ते में मर गया। किसने कहा था कि एक साथ इतना खाए और अपनी सेहत खराब कर ले, बोलो। अच्छा आदमी था बेचारा, भगवान ने जल्दी बुला लिया। ये आदमी अच्छा है, ये कमीना था कमीना। ऐसा मत बोलो। जब मुझे पैसों की जरूरत थी, पता है इसने क्या कहा था? मुझे जलील करके बाहर निकाल दिया था इसने। और तुम इसे बहुत अच्छा आदमी कह रहे हो। ऐसा? जब तक मेरी जान रहेगी ना, तब तक मैं तुम्हें इस घर से एक लकड़ी भी ले जाने नहीं दूंगा, समझा ना? पैसा चाहिए पैसा। देखो यहाँ पे जितने भी लोग आए ना, कोई भी इसे अच्छा नहीं मानता है, सब कमीना मानते हैं इसे। किसी के चेहरे में कोई दुख नजर ही नहीं आ रहा है, ये क्या है? आज सबके लिए बहुत ही खुशी का दिन है भाई। हाँ ठीक है, मिलते हैं। हाँ सुनो, इसने 500,000 का बंडल रखा है। वो अब इसके किसी काम का नहीं है, मर गया ना। आदमी के अपने साथ पैसा लेके जा सकता है, और अब इस घर को भी कौन खरीदेगा? वैसे वो घर किसका है? अरे इन दोनों का ही है। हाँ बात कर। वैसे ये घर किसका है? वो मेरा घर है। तो फिर अच्छा प्राइस मिले तो बेच देना चाहिए। वैसे अच्छा पैसा देने वाले लोग आ भी रहे हैं, पर मैं ये सब देखना नहीं चाहता। इस एरिया में सबसे अच्छा घर मुझे यही लग रहा है। ऐसा क्यों? वो देखो ना उधर, मुझे जरा घर दिखा सकते हैं क्या? हाँ जरूर आओ ना, चलो दिखाता हूँ तुम्हें, आओ। अरे यहाँ पे नहीं जाना है क्या? अरे वहाँ कोई नहीं रहता, आ जाओ। ओके हाँ चलो। यहाँ कोई रहता नहीं है क्या? यहाँ चोरी भी नहीं हो सकती। अरे इसे बंद कर देता हूँ, नहीं तो कहीं कोई घुस कर घर से सामान चुरा ले गया तो। मेरी जानकारी के बिना यहाँ चोर आ ही नहीं सकते, चोर हमसे बड़े थोड़ी हो सकते, हमें सब पता है। यहाँ कौन चोरी करेगा, क्या रखा है इस घर में। उसकी ना अंतिम दर्शन के लिए आज बहुत सारे लोग आए थे, काम अपना बिल्कुल स्मूथ हो गया। उसके बाद कल क्या करेगा? कल कोई दूसरा घर ढूंढना पड़ेगा। वैसे जो मैंने घर बताया था ना, उस घर में घुसेंगे और अपना काम हो जाएगा। सही कह रहा हूँ मैं? यहाँ किसे? हेलो। हेलो। मैं सोच ही रही थी आपसे मिलने के बारे में। नंबर दिया था, फोन करना चाहिए था ना? सोचा था कि फोन करूं, पर जरूरत नहीं पड़ी। सोचा कि आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। फोन करके डिस्टर्ब क्यों करूं? वैसे भी मेरे काम का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। ओ तुम उस बिल्डिंग से आ रही थी? हाँ, मेरी एक फ्रेंड वहाँ पर रहती है, उसी से मिलने गई थी। किस ब्लॉक में? बी ब्लॉक में, डायना नाम है। डायना? क्यों पूछ रहे हो? नहीं मेरा एक फ्लैट, मतलब यहाँ एक फ्लैट खरीदने का इरादा है। ओह गुड। फ्यूचर में फैमिली बनाकर सेटल होना चाहता हूँ। तो अब चलें? हाँ। उस दिन जो आदमी था उसका नाम क्या था? ओ वो माधव। हाँ। वो मेरे एक रिलेटिव का घर है। ओ। मैं वहाँ पेइंग गेस्ट के तौर पर रहती हूँ, और कोई चारा भी तो नहीं है ना। तो रोजी की फैमिली? वैसे तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जब से मैं उस घर में गई हूँ ना, तब से वो मेरे पीछे पड़ गए हैं। उस दिन के बाद उन्होंने मुझे कभी परेशान नहीं किया, कुछ ज्यादा ही डिसेंट बन गए। ये सब आपकी वजह से हुआ है। देखो ये बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करो, और मुझे नाम से पुकारो, एलबी, एलबी जॉन। ओके
कितनी बार कह चुकी हूँ इस कार को चेंज कर दो, चेंज क्यों नहीं करते? मेरी प्यारी डॉक्टर, तुम्हारे पिताजी ने दहेज में मुझे ये प्यारी सी गाड़ी दी थी, मैं उसका ध्यान रख रहा हूँ। मैं तुम्हारा भी और इस गाड़ी का, दोनों का ध्यान रख रहा हूँ ना, तो बस थोड़ा शांत हो जाओ और इंतजार करो। ये तो ऐसा है हनीफ है। Hi sir. Hi. I'm John. Hi John. क्या हुआ सर? गाड़ी में शायद थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गई है। चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने स्टेशन में फोन कर दिया, अभी गाड़ी आ जाएगी थोड़ी देर में। आप अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? आपको जहाँ जाना है ड्रॉप कर दूंगा। गाड़ी यहीं पर रहने दीजिए, ठीक करके आपके घर पे या पुलिस स्टेशन में आराम से छोड़ दूंगा। ओके। मैं एक मैकेनिक हूँ सर। गुड। आइए ना। हाँ मैं उसी को पढ़ रहा हूँ। हाँ 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 मैं बात करता हूँ और थॉमस से पूछ के बता देता हूँ मैं। हाँ ठीक। हाँ रजिया सुनिए ना, मेरे घर से फोन आया था, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया है। तुम चिंता मत करो, एक काम करो तुम रेडी रहो, मैं थोड़ी देर में वहां आता हूँ, तुम्हें पिक कर लूंगा। दोनों किडनी फेल हो गई है, डायलिसिस ही करना पड़ेगा। जितना जल्दी हो सके किडनी को ट्रांसप्लांट करवा दीजिए, किडनी डोनर हमें ढूंढना होगा। अब डोनर कहाँ मिलेगा? अगर इनका बेटा डोनेट करेगा तो बहुत ही अच्छा होगा, बाकी मैं लिस्ट चेक करके आपको बताता हूँ। एजी डॉक्टर क्या कह रहे हैं, किसकी जरूरत है? किडनी। आप चुप रहिए, हमारी दो दो बेटियां हैं। इन्हें तो पथरी है ना। हा? कब से? चुप रहिए ना। किडनी खराब हो जाएगी ऐसा डॉक्टर ने कहा है, सही है ना? अब हाँ, एक डॉक्टर ने कहा था, फिर मैं कैसे दे सकता हूँ? दे सकते हो, दे सकते हो। हाँ? कोई बात नहीं, अब क्या करूँ? डॉक्टर मैं इनका सनील हूँ, मैं किडनी देने को तैयार हूँ। गुड, आपके मुझे कुछ टेस्ट करने होंगे और आपके ब्लड सैंपल की जरूरत होगी। श्योर डॉक्टर। INQ इंटरनेशनल बैंक, सपने में देखा था वही बैंक है ये। हाय। हेलो सर, आई एम जॉन। व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर? आप जा सकते हैं सर। क्या सुंदर लड़की है यार। प्लीज। एक्चुअली आई एम अ बिजनेसमैन और मेरा मेन बिजनेस दुबई में है। ये क्या टेक्निक है? यहाँ है ये टेक्निक, चश्मा। ये दिखने में तो एक चश्मा है, हम इसे दबाते हैं तो ये कैमरा ऑन होगा, 32 GB मेमोरी वाला कैमरा। अभी हमने बैंक के कोने कोने का पता लगा लिया है और अभी हम इससे एक खेल खेलेंगे। तुम लोग जानते हो बहुत ही कम समय में सारे नेशनलाइज्ड बैंक्स को भी पीछे छोड़ने वाली बैंक है ये। आज December 31st है, कल होगा न्यू ईयर, परसों बैंक का हॉलीडे और मंडे नेवी का दिन है, बैंक हॉलीडे, तो रॉबरी के लिए हमें बिल्कुल सही टाइम है। मंगलवार के दिन फिर से बैंक ओपन हो जाएगा, तब तक हम लोग कोचीन छोड़ चुके होंगे। लेकिन रॉबरी होने के बाद एक दिन तुमको और अब्दुल को बाहर रहना होगा, और कोई चारा नहीं है, वरना हो सकता है हम सब पकड़े जाएं। पैसे कहाँ होंगे वो मैं तुम लोगों को फोन करके बताऊंगा और फिर तुम लोग वहां से उठा लेना। वाओ। अच्छा लेकिन हम कौन सी गाड़ी में जाएंगे?
अबे वो सो रहा है, उसे क्यों जगा रहा है स्प्रे करके? अरे ये क्लोरोफॉर्म है। अरे मगर इसको तो नहीं पता था ना। उठा उठा उठा, अच्छे से उठा, बहुत भारी है यार। हाँ जल्दी चलो, जल्दी आओ, लेट मत करो, चलो। आज तक जो हमने फिल्मों में देखा, आज वो सच में करने जा रहे हैं। डर लग रहा है। धूम मॉडल की चोरी। अरे मास्क पहना है ना, डरो मत। अब्दुल तुम कभी बैंक आए हो क्या? हाँ आया हूँ। क्यों? हाँ ये क्या है, भूत वाली जगह है। अबे क्यों डर रहा है? सुन जॉन, हाँ मेरे हाथ पर कांप रहा है यार, मैं बाहर जाता हूँ। मार खाएगा क्या? अबे तू टेंशन मत ले, हम लोगों ने मास्क पहना। मुझे बहुत डर लग रहा है। तू बिल्कुल चिंता मत कर, ओके ओके चलो चलो चलो। यार रास्ता नहीं दिख रहा है, वापस चलते हैं। 5 मिनट चुप रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कर रहा है तू? चुप रहो यार, क्या ये सब? मुझे बहुत टेंशन हो रही है, ये हाथ में स्टिकर क्यों लगा रहा है? ये तो नहीं फटेगा ना? अबे नहीं फटेगा भाई। अरे चुप रहना यार। अरे खुल गया। ये क्या है? ओहो। अब हमें चुपचाप अपना काम करना है। चुपचाप कब? अंदर चलते हैं। हाँ चुप। अरे मत कर। चलो चुपचाप निकल लेते हैं, आजा भाई निकल। तुम्हें शायद पता भी नहीं होगा, लेकिन कुछ दिनों से मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ। बैंक में तुम्हारी परफॉर्मेंस देख के मैं समझ गया था कि तुम आज रात यहाँ लूटने जरूर आओ। अरे उन चीजों को वापस रखना है, उस सिक्योरिटी वाले को।
हाँ डॉक्टर साहब सुनिए, डॉक्टर साहब हम लोग हनीफ के रिश्तेदार हैं, कैसा है आप वो? देखिए मुश्किल तो है, जिन्हें बुलाना है बुला लो, ठीक है? नजीब, ए नजीब, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हें उससे इतना प्यार है। रिलैक्स नजीब, रिलैक्स। प्यार की बात नहीं है मुझे। तो फिर वो क्या है कि पापा को किडनी मुझे देनी पड़ेगी, ये सोच रहा हूं मुजीब। हाँ अरे नजीब तुम उसकी चिंता मत करो। हनीफ ने किडनी देने का वादा किया था ना, अभी उसकी सांसें चल रही, ब्रेन नहीं मरा है, इसीलिए अब उसी की किडनी ली जाएगी, तो हम क्यों चिंता करें। क्या सोचा तुमने? चलो हाँ। अभी चाय पीते हैं। इस आदमी का कोई रिलेटिव आया है क्या? इन्फॉर्म कर दिया है लेकिन अभी तक कोई आया नहीं। ये ऑब्जर्वेशन में है, उन्हें ऐसा बोल देना। ठीक है डॉक्टर। Ha 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 ha!
आप कौन? मैं वो जो सामने खड़ा है ना हनीफ, मैं उसका चाचा हूँ। तुम्हें पता है इसी के कारण एक साल पहले मेरी मौत हुई थी। आ हा 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 हा, आओ 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 आओ, चलो भाई चलो अंदर चलो सब चलो। आओ आओ आओ। अरे वाह, तुम लोगों को देखकर बहुत खुशी हो रही है, चलो अंदर। फंक्शन शुरू होने ही वाला है। कैसे हैं आप? कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। चाय नाश्ता तो कर लिया ना? सुलेमान जी, मानना पड़ेगा आपको, इस उम्र में भी कड़क है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब अल्लाह की मेहरबानी है भाईजान, अभी भी मैं शादी कर सकता हूँ। अरे मियाँ, आप बहुत स्मार्ट हैं। मैं आप लोगों के लिए नाश्ता लेकर आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रही हो? अरे बहुत सजना धजना हो गया, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे भाई वहाँ सब लोग इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करो जल्दी। क्या हो रहा है? चाचा अब्बा बुला रहे हैं आपको। अब इस वक्त तुम्हारे अब्बा मुझे क्यों बुला रहे हैं भाई? अभी भी सुलेमान भाई बहुत तंदुरुस्त है। अल्लाह उसकी उम्र उसकी तबीयत को ठीक रखे। मसाला झोंक दिया इसके अंदर। अरे आप यहाँ? अरे मैं ये सब मेहमानों के लिए लेकर आ रहा था। ये सब कुछ बच्चे लोग कर लेंगे ना, इस उम्र में आप ये सब क्यों कर रहे हो? उम्र की बात कहाँ से आ गई? अरे भाई अभी भी मेरे अंदर बहुत ताकत है। हाँ, लोहा हूँ लोहा। देखा इनको, इन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, मैं इनका ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन वही बात नहीं, अब से ध्यान दे दो। हाँ कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अरे चाचा, जानते हो उस दिन को याद करके मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन भाई मैं तुम्हें नहीं जानता, कौन हो तुम? मैं और सर। हाँ समझ गया, अच्छी तरह समझ गया। या अल्लाह, ये तो अभी भी जिंदा है, तो वो यहां ना रहकर वहां क्यों जाकर खड़ा हो गया? हाँ मेरी क्या गलती है इसमें? अरे मैं अपनी बेटी की शादी नहीं देख पाया। आप मरने के बाद मुझसे दुश्मनी क्यों निकाल रहे हो? अरे तुम्हारी ही शादी में तो मैं मरा था। अरे तुम्हें ऐसे कैसे भटक रहा हूँ? अरे छोड़ो छोड़ो चाचा, देखो अपनी बॉडी में जाना चाहिए। छोड़ सकता हूँ, सब कुछ तुम्हारे कारण ही तो हुआ। मैं आपको मेरे शरीर में नहीं जाने दूंगा। अरे मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे शरीर में ये जाएगा, जाने दो उसे। अरे तो रुक, छोड़ो, नहीं जाऊंगा तुझे, छोड़ो, जाने दो इसे, मत करो ऐसे, छोड़ो, जाओ जल्दी जाओ। ए रुक जाओ, नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं, अरे नहीं नहीं, ये ठीक नहीं। अरे ये रुको रुको, वाह चाचा। तुम्हें तुम्हारी बॉडी में जाना चाहिए था ना, मेरी बॉडी में क्यों चले गए तुम? जब मैं यहाँ से डिस्चार्ज हो जाऊंगा तो आप मुझे तुरंत पकड़ लेंगे, इसलिए मैं थोड़े दिन आपकी बॉडी में रहूंगा। मेरी बॉडी में दूसरा कोई घुसने से पहले आप उसमें घुस जाइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं भटक रही है। ओके? ये सही कह रहा है, जल्दी से जाकर घुस जाओ। शायद तुम नहीं जानते हो कि यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं भटक रही है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। इससे पहले कि कोई और घुसे, तुम उसकी बॉडी में घुस जाओ। इतने दिनों तक सर पुलिस और मैं चोर था, अब मैं पुलिस हूँ और सर चोर है। गुड लक। अब तो आपको शांति मिल गई ना चाचा? मुझे तो मैं वक्त बर्बाद मत करो, देखना।
हाँ, अब तो भाई डिस्चार्ज हो सकता है। हाँ, ठीक है, आराम करो। अब सॉरी, वो सेब, अब वो क्या है कि भाई की जान बच गई, इसीलिए हम लोग बहुत खुश हैं। हाँ भाई, डॉक्टर ने बताया कि तुम जल्दी घर आ जाओगे। वो डॉक्टर आ गए। अब हेलो डॉक्टर। अच्छा, आप आ गए। हाउ आर यू हनीफ? मैंने कुछ दवाएं लिखी हैं, उसे टाइम पर खाना होगा। एक हफ्ते के बाद मुझसे मिलना। डॉक्टर, अब तो हम इसे ले जा सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुक्रिया डॉक्टर। ये लो, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर, वो पेशेंट अब... चिंता की बात नहीं है, उसे भी आज ही डिस्चार्ज कर दूंगा। ओके। शुक्रिया डॉक्टर। ओके। जॉन, इस हालत में तुमसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहना पड़ रहा है। ये देखना, बिल बहुत आया भाई। सुन, वो पेटी कहाँ है मुझे बता दे, सारे पैसे निकाल कर मैं हॉस्पिटल का बिल भर देता हूँ। ये देखना। रजिया से बोल दो। हैं? रजिया? ये कौन है भाई? रोजा है क्या? इसे क्या हो गया यार? क्या हो गया यार इसे? चलो तुम लोग हटो यहाँ से। हैं? हैं? अरे बाहर जाओ थोड़ी देर के लिए। क्या? क्यों? 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 अरे मुझे नमाज पढ़नी है भाई। क्या बोल रहा है यार, मतलब? ये पागल हो गया क्या? एक्सीडेंट के बाद लगता है इसका थोड़ा घूम गया है। चल लेट जा। चलो लेट जा, आराम से लेट जा, आराम से लेट। अरे निकलो यहाँ से, एक बार बोलो तो समझ में नहीं आता। क्या हो गया भाई, निकल ले। अबे पागल तो नहीं हो गया ये? सुनिए, क्रिश्चियन का चर्च है। सुनिए, रुकिए रुकिए, आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? मैं थोड़ी प्रार्थना करके आता हूँ। ये तो हमारी मस्जिद नहीं है, क्रिश्चियन का चर्च है। हाँ तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ वेट करो। गाड़ी रोको। ये जॉन पैसे वाले का नया अवतार है। कैसे हो? कौन? ये जॉन सर हैं। क्या भाई, एक्सीडेंट के बाद मुझे भूल ही गए? अब वो सिविल ड्रेस में तुम्हें देखा ना, तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। चेहरा तो वही है ना, फिर ड्रेस से क्या फर्क पड़ता है? अब मैं क्या बोलूं? क्या सर, एक्सीडेंट के बाद ये ऐसे हो गए हैं। ओ सर, प्लीज अंदर आइए ना। मैं इस तरफ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। चाय लेकर आता हूं। चाय नहीं पीऊंगा। तुमने ड्यूटी क्यों नहीं ज्वाइन की? सर वो नाइट ड्यूटी है ना सर। क्या? तो इसलिए मैं ज्वाइन नहीं करता, लेकिन आप दोनों बात कीजिए, मैं यूनिफॉर्म पहन के आता हूँ अभी, तैयार होके। तुम चिंता मत करो, इसकी जान बच गई ना, ऊपर वाले की मेहरबानी है। अगर ये फिर से ड्यूटी पर आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। इस कमीने का चेहरा लेकर जीना पड़ रहा है मुझे, क्या करूं? क्या हो गया इसे भाई? हैं? ये कर क्या रहा है? हैं? ये उसे क्यों निकाल रहा है? अर्जुन आईपीएस।
एक एक्सीडेंट में आदमी ऐसा हो जाता है क्या? ये क्या है? क्या हुआ? नहीं, मैं तो बासी चावल खाता हूँ ना। क्या कहा? वो तो हमारे नौकर खाते हैं ना। देखो, तुम ये खाना अपने हिसाब से बिल्कुल मत बनाओ। मुझे जो खाना पसंद है मुझे सिर्फ वही बना के खिलाओ। उसका क्या क्या स्वभाव है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंदर आओ। हनीफ, इधर तो दो दो मस्त आइटम है रे। जाओ, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। मैं बाहर जाके आता हूँ। सुन, ये चावल खा कर जा। बासी चावल? तो तेरे को क्या चाहिए? और मुझे चिकन चाहिए। हैं? चिकन चाहिए? ये मैंने कैसे बनाया तू जानता है ना? चुपचाप इसे खाओ और निकल, वरना ये भी नहीं मिलेगा। खाने के लाले से चिकन चाहिए। दिन ब दिन इसकी रईसी तो बढ़ती ही जा रही है। ये जिस तरह की हरकतें कर रहा है, प्रभु ही जाने क्या हो रहा है। प्रभु नहीं जानते यार, अल्लाह ही जानते हैं। ये मस्जिद जाता है, नमाज पढ़ता है, चिकन खाता है, बदल गया है ये। अरे उसकी बात छोड़ो यार, चलो चावल खा लेते हैं। क्या खाएंगे हम? सब वो खाकर चला गया। देख तो, चावल नहीं है क्या? चावल तो नहीं है ना। छे, तो भूखा रहना पड़ेगा क्या? अभी पुलिस की यूनिफॉर्म पहननी पड़ रही है मुझे। सुनिए। क्या क्या है? सब भूल गए क्या? क्या भूल गया हूँ मैं? क्या है? अभी समझ में आया? एक एक्सीडेंट होने से इंसान सब कुछ भूल जाता है क्या? बस इतना ही है क्या? क्या होगा? नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना। सर की वाइफ ने दिया है? ये सिर्फ एक बार ही देती हैं या बार बार देती हैं? वैसे सर की वाइफ बहुत सुंदर है। मेरे परिवार की बात छेड़ोगे तो मार डालूंगा तुमको। सर आप भी ना। क्या बात है, आपस में क्या बातें हो रही है? मैं आपके बारे में पूछ ही रही थी इनसे। क्या हुआ, बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर चलिए ना। नहीं नहीं नहीं, मैं सर से नहीं, जॉन से कह रहा था कि अंदर आने के लिए। जॉन जो है पुलिस स्टेशन में मुझे थोड़ी सी हेल्प करेगा ना, इसलिए मैं इसे साथ लेकर जा रहा हूँ। हाँ, तो तुम अंदर जाओ। चलो आओ, चलो। तुम पुलिस स्टेशन जाकर क्या करोगे? सर, चोर पुलिस बहुत कुछ करेगा, आप देखते तो जाइए। अगर मेरा नाम बदनाम किया ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? सर आप मेरे बारे में नहीं जानते। सर आप एक बात ध्यान से सुनिए, मेरी आत्मा आपके शरीर में है ना, मेरी इमेज क्या है आप जानते हैं? मेरे खिलाफ किसी भी पुलिस स्टेशन में या किसी भी कोर्ट में किसी तरह का कोई केस नहीं है, लेकिन सर की इमेज ऐसी नहीं है। सर एक जाने माने पुलिस ऑफिसर हैं, डिपार्टमेंट में एक बहुत ही कड़क
ऑफिसर के नाम से जाने जाते हैं। आपका ये हाल देख के मुझे थोड़ा दुख हो रहा है, लेकिन थोड़े दिनों की तो बात है। सर की वजह से मेरी जिंदगी में कुछ नुकसान हुआ है, ये सब लेवल करने के बाद मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। तब तक सर एक अच्छे इंसान बनकर मेरे फ्रेंड के साथ जॉन बनकर जिए, हमें लाइफ में बड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा ना सर। मैं भी खुश, आप भी खुश। गाड़ी रोको। हाँ सर, रोकता हूँ ना सर। तुम्हारा असली रूप में बाहर लाऊंगा, तुम्हारी सारी धोखेबाजी दोस्तों के जरिए बाहर लाऊंगा, और अब यही मेरा लक्ष्य है, समझे? तुम्हारी पोल खोल के रख दूंगा। सर, स्वागत है सर। सर बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। सर में बहुत चेंजेस आ गए, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर। आओ चलो चलो। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। इस वर्दी से तो काफी कुछ किया जा सकता है वैसे। हाँ चलो चलो। ये सीटी क्यों बजा रहे हैं? अरे ये वो फाइल नहीं है, इसे वहीं रख दो। हाँ ये तो नहीं है। बहुत अच्छे। ए सुनो। हाँ इधर आओ। क्या हुआ? इधर आओ। क्या हुआ, क्या हुआ? अरे क्या बात है, बताओ तो। अंदर देखो, अंदर देखो, अंदर। अरे बाप रे, ये दो सिगरेट पी रहे हैं, ये कैसे हो गया? कब से शुरू किया? वो तो सिगरेट पी रहे हैं यहाँ पर, इन्हें तो पीने के लिए डॉक्टर ने मना किया था, फिर ये क्यों पी रहे हैं? एक्सीडेंट होने के बाद सिगरेट पीने लगे? ऐसी बात नहीं है, टेंशन होगी इनको। अब ये सब करेंगे तो जल्दी रिटायर हो जाएंगे। सही कहा, इनका पेंशन लेने का टाइम आ गया है। मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया देखने के लिए, तुम लोग क्या कह रहे हो? पेंशन की बात सुनकर आपको टेंशन हो रही है? ठीक है चलो, साहब की टेंशन से हमको टेंशन हो जाएगी। सर ये एक केस है। तो क्या है जरा पढ़ के बताओ। पूरी फैमिली के साथ नेल्सन घर बंद करके टूर पर जाने वाले हैं। अरे वो एनआरआई है ना। हाँ सुना है, तो कहाँ जा रहे हैं वो टूर पर? सिंगापुर। तो इसमें हम क्या करें? सरकार ने पुलिस को उनके घर पर नजर रखने के लिए कहा है। तो उस आदमी ने चाबी तो दी होगी ना? चाबी और सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। तो फिर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की नजर उन पर अच्छी तरह से बनी रहेगी। हाँ मैथ्यू, मैथ्यू सुनना, दिक्कत न्यूज आई है। क्या है? ताले लगे हुए घरों में भी चोरी हो रही है। हैं? क्या बोला? हाँ। हमने अपना काम तो बंद कर दिया, तो फिर बच्चों ने अपना काम शुरू कर दिया, अब बताओ हम भूखे मरे क्या? भाई तू ये मत बोलना कि हम लोग एक चोर हैं। उस लड़की को बचाने के बाद तुम एकदम बदल गए हो यार। अगर ऐसे ही रहा तो हमारा धंधा कैसे चलेगा भाई? एक्सीडेंट होने के बाद ऐसा लगता है जैसे इसके शरीर में कोई और घुस गया, इसकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अगर हम लोग काम नहीं करेंगे ना जॉन, तो हम भूखे मर जाएंगे। तू समझता नहीं है, बैंक से लूटा हुआ पैसा कहाँ है, कितनी बार पूछा, मगर ये है कि जस का तस बैठा रहता है, कुछ बोलता ही नहीं है। देख रहा है कैसे चुपचाप बैठा हुआ है, इसकी तो हट। क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं हुआ है मुझे। सुनो भाई, अगर आज रात हम कुछ करेंगे तो हमारा भला हो सकता है, याद रखना। बोल रहा हूँ मैं। धोखा देना क्रिमिनल की सजा है, चोरी करने के लिए प्रेशर देना उससे भी बड़ा गुनाह होता है। आईपीसी सेक्शन 379 और सेक्शन 34 एंड 448 हाउस ट्रेसपास, 25,000 का जुर्माना और 7 साल की कठोर सजा। ये चोर के मुंह से कानून की बातें समझ में नहीं आ रही है अब्दुल। हाँ? देख मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया है। क्या है बोल? दो मुंह वाला सांप। चल बे तू भी। अरे यार इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बहुत ही डिमांड होती है, तुझे पता है क्या यार? मुंबई से थोड़ी दूर एक टीम है,
हम बाई रोड उनके घर तक चलेंगे, वहां पे खरीदने वाले लोग हैं, मजा आ जाएगा यार। जॉन, उसका कमीशन ही 1,00,000 रुपए है। हाँ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार 1.5 लाख का जुर्माना और 6 साल की कठोर सजा। तू जा, ये भी भूल जाओ। ये चोर है कि पुलिस है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वकील है, मुझे तो लग रहा है वकील बन गया एक्सीडेंट के बाद। तू देख रहा है ना कैसे कानून झाड़ रहा है, ये दिमाग खराब कर दिया। वकील कहीं का। सर, एक केस के सिलसिले में एक औरत को लेकर आया हूँ। पर तुम उसे यहाँ क्यों उठाकर लेकर आ गए? सर, गुनहगार को यहाँ नहीं लाऊंगा तो और कहाँ लेकर जाऊंगा? देखिए सर, इसे कैसे शर्मा रही है। तुमने किसे मारा? मैं किसी को मार सकती हूँ क्या साहब? सर, आपसे किसने कहा कि ये मारपीट का केस है? सर, ये अलग टाइप का केस है, अलग टाइप का। तुम जाते समय अपना एड्रेस और फोन नंबर देते हुए जाना। वो तो इसने पहले ही ले लिया है साहब। सर, आप ये क्या कह रहे हैं, हम इसे ऐसे ही जाने दे क्या? चलो ठीक है, ठीक है, चलिए चलो ले जाओ। ये क्या है यार? हेलो, क्या यार, आजकल तू तो फोन ही नहीं करती। ए, सिर्फ तुझे ही नहीं, मैं किसी को भी फोन नहीं करती, मेरा मूड ही नहीं रहता। एक बात बताऊं, एक्सीडेंट के बाद ये पूरी तरह से बदल चुके हैं। अरे टेंशन मत ले यार, और सिर्फ इतना ही नहीं, अब तो ये शराब भी पीने लग गए हैं, कभी कभी सिगरेट भी पीते हैं, और पुलिस स्टेशन से आने के बाद पहले की तरह मुझसे बात भी नहीं करते, प्यार भी नहीं करते, सब कुछ भूल चुके हैं। मैं नहीं पीती साहब। तो पीती हूँ क्या? बीयर। बहुत अच्छी बात है, चल आजा। छोड़िए साहब, छोड़िए, मैम देख लेगी ना। छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? अरे छोड़िए, छोड़िए। अरे सुनो तू, मैडम देखेगी तो ही तो प्रॉब्लम होगी, नहीं तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो अब उनके पास जाने से भी बहुत डर लगता है। देख, इस वक्त उन्हें प्यार की जरूरत है, तुझे तेरा पति वापस चाहिए ना। तू उन्हें और थोड़ा ज्यादा प्यार दे। तू फिल्में तो देखती है ना, पति को मनाने के लिए पत्नी क्या क्या करती है, देख। तू भी वैसा ही कुछ ट्राई करके देखना। ठीक है, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। ओके चल। अरे ये किस हाल में आई है यहाँ पर? लगता है आज ही कुछ गड़बड़ करके रहेगी। क्या हुआ, ऐसे छुप छुप कर तुम उन लोगों को क्यों देख रहे हो? अरे भाई, उसे नहीं पता है कि वो तुम नहीं हो। देखो, वो तो तुम्हें समझकर ही उससे प्यार कर रही है। सुनो, हॉस्पिटल में मैंने उसका साथ दिया था, उस वक्त मुझे ये ख्याल नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है। आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने क्या कर दिया। उसने तुमसे कहा था कि कुछ दिनों के बाद वो तुम्हारा शरीर तुम्हें वापस कर देगा। अरे भाई, वो तुम्हारी बीबी के साथ कैसी हरकतें कर रहा है यही देखने आए थे ना। वो चोर पुलिस बनकर नाटक कर रहा है, अब तुम्हें भी चोर बनने का नाटक करना चाहिए। उसने दोस्तों के साथ मिलकर ये काम किया था, अब तुम उसके दोस्तों के साथ मिलकर रहो तभी कोई रास्ता निकलेगा। सुनो अब्दुल। अब्दुल मैं नहीं हूँ, अब्दुल वो है, समझे? तुझे क्या हो गया है बे? एक्सीडेंट के बाद तो मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।
जाने अनजाने में मैंने कोई गलती कर दी या फिर तुम लोगों को डांट दिया हो तो मुझे माफ करना। ए, तू बिल्कुल चिंता मत कर, हम तुझे गलत नहीं समझते हैं। वो पेटी कहाँ पे रखी है बस इतना बता दे यार। वो पेटी मेरे पास नहीं है, वो पुलिस वाले के पास होगी। मोहम्मद हनीफ के पास? हाँ, जानते हो चेजिंग के वक्त उस आदमी ने अपने गन पॉइंट पर लेकर उस पेटी को मेरे साथ कार में रख दिया, ये तो मुझे याद है। लेकिन उस आदमी ने अब तक वो पुलिस को सौंपी ही नहीं, तो इसका मतलब जरूर उसने वो पेटी छुपा कर रखी है। अगर ठीक से देखा जाए तो वो पेटी उसी के पास होगी, या तो उसके घर में है नहीं तो किसी दूसरी जगह पर सेफ है। अगर आप लोगों ने सोचा तो उसे जरूर ढूंढ सकते हो। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूं ना, इसलिए अगर मैं उसके पास गया तो वो मुझे पहचान लेगा, है कि नहीं? कौन है यार ये? आप हमें बत्रा सर ने हमें यहाँ भेजा है। बोल ना। वो मैं और ये हनीफ सर के कहने पर यहाँ पर आए हैं। लेकिन बात क्या है बताइए। वो सर एक केस फाइल यहाँ भूल गए हैं, वही लेने हम आए हैं मैडम। सर ने बोला कि बेडरूम में रखी होगी तो हम ले लें क्या? नाम क्या है? कविता है। बहुत सुंदर हो तुम। तुम बहुत हसीन हो, ऐसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। सर ने आपके बारे में बताया था? ऐसा क्या? आप बहुत सुंदर लड़की हो, बहुत खूबसूरत हो सच में। बस कीजिए साहब। सच कह रहा हूँ। अरे साहब आप अंदर आइए ना, वो जो सामने है वही ऑफिस है। अच्छा अच्छा, आ जा आ जा आ जाए ना। हाँ आइए आइए। सॉरी सर, कभी है क्या यहाँ? एक्सक्यूज मी, जरा हट जाओ, मुझे खोल करके देखना है कहाँ होगा वो। मैडम सर ने बोला यहाँ पर एक पेटी रखी होगी, वो दिखाई नहीं दे रही। हाँ, कहाँ है वो पेटी? पेटी एक पेटी तो साहब के बेडरूम में रखी हुई है। मैथ्यू किधर है वो? वो वहाँ है। ओके ओके, कहाँ जाओ, चलो आइए। थैंक यू मैडम, ये बेडरूम। अच्छा संभाल लो, इधर ही होगा, देखता हूँ। ये तो मेम साहब की पेटी है, साहब ने अपना सारा सामान वार्डरोब में रखा हुआ है। वार्डरोब में? हाँ वार्डरोब। समझ गया समझ गया। वैसे सारी चीजें कहाँ रखी हैं वो तो आपको पता ही होगा ना मैडम। फोन है, मैं जाकर देखती हूँ। तो ये चोर है? आप पुलिस नहीं, चोर है। सांप की घड़ी चुराते हुए मैंने देख लिया है, अभी बताती हूँ। बाप रे, अब क्या? घड़ी चुराई? घड़ी चुराई? मैंने नहीं लिया, नहीं लिया, मैंने नहीं लिया। तेरी तो हेलो साहब, यहाँ आपका नाम लेकर पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर दो चोर आए हैं। क्या? मैंने उन दोनों को बेडरूम में बंद कर दिया है, आपकी घड़ी चुराते हुए मैंने उन्हें देखा है। और देखने में कैसे लगते हैं वो दोनों? एक काला सा मोटा सा, छोटी छोटी दाढ़ी भी है। और दूसरा वाला गोरा सा मोटा सा है, पेट बड़ा हुआ है और देखने में चोर जैसा लगता है। कुछ ऐसी शक्ल सूरत का है क्या? हाँ, आपने सही कहा। तुम कुछ मत करो। अच्छा ये बात तुमने किसी को बताई तो नहीं? नहीं, किसी को बताना है? नहीं नहीं, तुम कुछ मत करो, मैं अभी वहाँ आता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है साहब। दिमाग खराब हो गया तेरा, घड़ी की चोरी करता है। अरे वो पेटी मिल गई तो 1000 घड़ी खरीद सकता है तू। गलती हो गई यार, माफ कर दे मुझे। हेलो। पेट्टू कालिया है क्या? हाँ, कैसे पहचाना? उसने फोन किया था, उस पुलिस वाले हनीफ मोहम्मद ने। आवाज को क्या हो गया, बदल गई क्या? मुंह में कुछ डाला हुआ है क्या? अरे वो मेरा थोड़ा सा गला खराब है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। हेलो जॉन, वो लोग मुझे स्टेशन में ले जाकर मेरा कीमा बना देंगे, अब क्या करूं मैं? पुलिस स्टेशन ले जाने से पहले वो तुम्हें उतार देगा। उसकी वीक
स्टेशन जाने के पहले वो हमें बचा लेगा। कैसे? पता नहीं। तुम्हें किसने मेरे घर में भेजा है, क्यों भेजा है, वो मैं जानता हूं। देखो, बैंक से लूटा वो पैसा और वो बैग मेरे पास नहीं है। तुम्हें मेरे घर में जिसने भेजा ना, तुम उससे पूछो, वो तुम्हें बताएगा। सब कुछ उसकी गाड़ी से ही तो हुआ था ना। एक तो वो पैसे वाला बैग चोरी हो गया है, हा? और अगर नहीं हुआ तो फिर वो बैग आखिर है कहाँ? सिर्फ वो ही जानता है इस बात को। तुम लोग जाके पूछताछ करो। उसको उसे दे। ये ले जॉन, एक पैक पी ले भाई, तेरी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। बहुत दिन हो गए पिए हुए यार। क्या है ये? सोडा शरबत। अबे तेरी फेवरेट विस्की है यार, पी ले। मैं शराब नहीं पीता। अरे एक पैक तो पी ले भाई। हाँ दड़ा है, मुझसे ये मजाक नहीं चलेगा। चला दड़ा, जो भी कहना है थोड़ा दूर जाकर खड़ा रहे और बोल। तुझे अचानक क्या हो गया, ऐसी बातें क्यों कर रहा है तू? तू अपना रंग क्यों बदल रहा है, क्या हो गया तुझे? हाँ तू एक बात जानता है, एक्सीडेंट के बाद तू एकदम अनाथ की तरह पड़ा हुआ था। मैं और अब्दुल तुझे हॉस्पिटल लेकर के गए थे। अबे वहाँ का सारा खर्च हमने किया था, सारे पैसे खत्म हो गए हम दोनों के, और तू हमारे साथ ऐसा कर रहा है। हमें पैसे अभी चाहिए। चुपचाप बता दो कि वो पेटी कहाँ छुपाई हुई है, बता दे मेरे भाई, बड़ी मेहरबानी होगी। अबे जा भाड़ में यार, सुनता ही नहीं है कुछ। क्या बक रहा है तू, शांत हो जा। झूठ भी बोलना है तो सोच समझ करके बोलो जॉन। हम दोनों ने उस पैसे की वजह से बहुत सपने देखे हैं। बता दे भाई पेटी कहाँ है। मैंने कहा ना कि मैं कुछ नहीं जानता। सुन बता दे पैसे कहाँ छुपाए, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। हट जा। बता पेटी कहाँ है। अरे चला हट। जॉन जॉन नहीं, मैं तुम लोगों को धोखा देना नहीं चाहता। मुझे कुछ भी नहीं पता कौन सी पेटी, किस चीज की पेटी। अब्दुल ये हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है भाई, चक्कर क्या है पता करना पड़ेगा। ये कुछ अजीब सा लग रहा है यार मुझे। तूने देखा उसका चेहरा बिल्कुल बदला हुआ था, ये पहले जैसा नहीं है, बहुत ज्यादा बदल गया है। हाँ यार। अब ये पत्रो, अब मेरी पहचान का एक मुस्लिम बाबा है, वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा। आदमी से बातें करके उसकी मन की सारी बातें वो जान लेता है। अहमद बेन मुस्तफा मुल्ला। सुभान अल्लाह या अल्लाह, मदद कर ला परवरदिगार। अल मोहम्मद बिन मुस्तफा मुल्ला, नाम सुना तो होगा तुमने। तो मैं क्या करूं? क्या करना है? अभी कुछ नहीं करना है, लेकिन अंदर जो बैठा है क्या है बता दो जरा। अंदर की बातें कैसे बाहर लानी है उसकी दवा है मेरे पास। तुम क्या चाहते हो? मेरी जिंदगी में कोई भी चाहत नहीं है। तुम्हारी कोई चाहत नहीं है, है ना? तो तुम उसके अंदर से बाहर आ जाओ, मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा। काम हो रहा अपना। मेरे सामने कैसे भी हो, सबको मैं अपनी मुट्ठी में रखता हूँ। नाम है मुस्तफा मुल्ला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या परवरदिगार, रहम कर, रहम कर, रहम कर। या लुकमान। कौन? तुमने मुझे लुक कहा था ना, तुम्हारा नाम लुकमान है ना? तुमने मेरा पूरा बायोडाटा जानकारी में रखा हुआ है,
मेरे सामने ये चालाकी बिल्कुल भी नहीं चलेगी हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। वड़कांजारी पुलिस स्टेशन इलाके में है? तुमने 18 साल की लड़की के साथ चक्कर चलाया था, तब तुमने मार खाई थी। आप क्या कह रहे थे? मैं वहाँ पर एसआई था। अच्छा, वो क्या है कि मैं पहले छोटा मोटा धंधा किया करता। लड़कीबाजी करने वाला इतना कमीना आदमी मुल्ला इंसान कैसे बन गया? ऐसा कुछ नहीं है यार, अल्लाह सुभान अल्लाह, या परवरदिगार, ये सब तो मैं ऐसे ही पढ़ता था। अपना काम अभी शुरू हुआ है भाई, थोड़ा रुक जा। देखो ये किसी को नहीं पता, ये सिर्फ हम दोनों को ही पता है। देखो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, ये धंधा सीख लिया है इसीलिए बस यही मेरा बिजनेस है। कितनी बीवियां हैं तेरी? अभी 4-5। चार नहीं, 5, टोटल 9 है। वो उस दिन उस लड़की को लाया था ना? नहीं, वो सर आपने मुझे मारा तो उस लड़की को उसके बाप के पास छोड़ दिया। तो अभी भी तुझे वो मार याद है? नहीं, वो कैसे भूल सकता हूँ सर। आप मुझे वापस मत फंसाइए सर, अभी मुझे जीने का और कोई रास्ता मेरे पास नहीं है सर। इस धंधे से बस मैं रोजी रोटी चला पाता हूँ। तो तूने कुछ जाना? नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं जाना, कुछ भी नहीं, मैं सच कह रहा हूँ अल्लाह कसम। अरे आप खड़ी क्यों रहे? मैं चला जाता हूँ, आप बैठिए ना। हाँ, मैं जा रहा हूँ। अगर मेरे घर पे कदम रखेगा तो मैं चला जाऊंगा सर, लेकिन इसके बगैर मेरा धंधा नहीं चलेगा सर। ठीक है, मैं जाता हूँ। आप बैठिए। मैं चाहता हूँ ये भी लेके जा। अल्लाह, मैं तो ये तो भूल ही जा रहा था, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। अच्छा मैं चलता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ बोलो। क्या बताऊँ, ऐसा इंसान आपका दोस्त बना है कि जरूर आपने पुण्य किया होगा। हाँ, ऐसा जीनियस आदमी तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। हाँ, कितना ज्ञानी आदमी है, कितनी याददाश्त है। जो बातें मैं भूल गया था उन्होंने मुझे याद दिला दी। हाँ अल्लाह, बाइबल, कुरान, भगवत गीता, सारी किताबों को उसने घोट कर पी रखा है। अभी तो उन्होंने मुझे इस्लाम धर्म के बारे में कुछ बताया है। मैं उसी की जानकारी लेने के लिए जा रहा हूँ। मैं चलता हूँ। लेकिन उसने कुछ पेटी के बारे में बताया क्या? क्या? अरे मेरी पेटी के बारे में उसने कुछ बताया? अच्छा, आपको पेटी? तुम पेटी की बिल्कुल चिंता मत करो, वो सबको पेटी भर भर के पैसा देगा। फिर तुम्हें चिंता किस बात की है? अरे रख लो। नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए है, बिल्कुल पैसा नहीं चाहिए। जितनी जल्दी हो तुम पहले मुझे यहाँ से निकलने दो। फिर काहे का पैसा है? अभी मैं चलता हूँ। मैं तुम लोगों से कब मिलूंगा ये मुझे पता नहीं है। जिसने तुम लोगों को जन्म दिया है वो ही तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह अल्लाह, मैं चलता हूँ। अब इस बाबा को क्या हो गया, मेरी कुछ समझ में नहीं आया भाई। आज का खास दिन आप जानते हो? कैसी बात कर रहे हो भाई, आज का दिन हम भूल सकते हैं लेकिन जीजा जी नहीं। सही कहा ना? सही कहा, आज विश्व कल्याण दिवस है, याद है ना? हाँ तो सुनिए, आज पापा की किडनी बदलने का दिन है। लेकिन किसके पापा का? किसके पिता, मतलब मेरे पिताजी। आपने सबके सामने कहा था, याद है ना? तो फिर वो किडनी देने वाला कोई डोनर मिला कि नहीं? अरे आप ही तो डोनर हो, आपकी किडनी तो निकाल तूने लगाई है। हाँ जीजा जी, आपने ही तो डॉक्टर से सबके सामने कहा था कि आप उनको किडनी देंगे। कैसे जीजा जी हो? तो आप तैयार है ना? मुझे इसके बाप को किडनी देनी पड़ेगी, लेकिन मैं क्यों दूं, मेरी किडनी क्यों दूं? अभी याद आ गया। किसी डॉक्टर से मैंने ये कब कहा कि मैं किडनी दे रहा हूँ? मेरी जानकारी के बिना मेरी किडनी की बात कैसे कर रहे हैं आप? ये कैसी बातें कर रहे हैं, किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी, ये तो आपका अपना ही फैसला था ना? तो मैंने शायद याददाश्त खो दी होगी इसलिए बोल दिया होगा, लेकिन अब मेरी याददाश्त वापस आ गई है। अब और सिर्फ इतनी सी बात नहीं, ये भी सुन लो, अब वो मेरे बाप नहीं इन दोनों के बाप है, इनको देनी चाहिए ना, ये क्यों नहीं देते? अरे मुझे थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही है। क्या हो गया? आराम से आराम से, कहीं किडनी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? और तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बोले ही, मेरे कमर में बहुत दर्द है और पाइल्स भी है मुझे। तुम दोनों मिलके सबको बेवकूफ बना रहे हो। मेरी किडनी लेने वाले जीजा ने किडनी देने का वादा किया था। अरे नहीं देंगे तो ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा, जाओ पूछो। नजीब, इसे तो एक्सीडेंट में मर जाना चाहिए था, तभी अच्छा होता। सही कहा, बहुत देर हो चुकी, तुम अपनी किडनी दे दो ना। कैसी बात कर रहे हो, मैं क्यों किडनी दूं?
समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अबे यार, उसने ये पेटी अपने घर में ही रखी होगी ना। अरे यार, इस शहर के कोने में इसका घर है, वहाँ जाने में कितना टाइम लगता है पता है? तू तो जानता है, एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल पहुँचने में लगभग 1 घंटा लगा था। हाँ, उस बीच कैसे छुपा सकता है? मुझे एक शक हो रहा है, वो पेटी इसी शहर में कहीं होनी चाहिए। यार, इस सिटी में हमारे अलावा किसी और को नहीं जानता है। इधर आ भाई। उस दिन इसने एक लड़की को बचाया था ना। कौन सी लड़की? अरे यार, तुझे पता है ना, उस लड़की को ये बहुत चाहने भी लगा था, रोजी। हाँ 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 हाँ, उसके ऊपर ये बहुत विश्वास करता है। हम दोनों को उस लड़की के बारे में पता करना चाहिए इससे। सुन, बिना देर किए उस लड़की से हमें मिलना चाहिए। हाँ, चल। बाहर तेरा फ्रेंड तो आया होगा। ठीक है, कल मिलते हैं। बाय बाय। रोजी, हाय। हाय, तुम लोग यहाँ कैसे? हम आपसे ही मिलने आए हैं। ऐसी बात है? और आप लोग का साथी जॉन कहाँ है? मैंने कितनी कोशिश की उससे फोन पे बात करने की, फोन ही नहीं लग रहा। उसका नंबर चेंज हो गया है क्या? जॉन का एक्सीडेंट हो गया, आपको पता नहीं क्या? एक्सीडेंट? हाँ। नहीं, उसका कार एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद वो बहुत बदल गया है। अभी वो कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ प्लीज। वो क्या है कि हम लोग किसी दूसरे काम से आए थे आपके पास। जॉन ने आपको कोई पेटी दी थी क्या? पेटी? हाँ? नहीं तो, कौन सी पेटी? उस पेटी में कुछ जरूरी सामान रखे थे, हमें लगा कि शायद उसने आपको दिया होगा। यही सोचकर हम लोग आपके पास आ गए। मेरे जॉन से कितने दिनों से कोई बात नहीं हो पाई है और उसने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो फिर चल। ठीक है, हम चलते हैं। ओके बाय। ठीक है। आज के मुख्य समाचार। मास्क पहनकर चोरी करने वाले चोर ने फिर से चोरियां शुरू कर दी है। अब तक कोई सुराग नहीं मिला है, पुलिस छानबीन में लगी है। उसने अपना काम शुरू कर दिया, इसका मतलब मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये गोल्ड है या रोल्ड गोल्ड है? गोल्ड है सर। तो मेरे ख्याल से ये 1.5 तोले का तो होना चाहिए। उतना तो नहीं होगा सर। मेरे पहचान वाले की दुकान है शहर में, हाँ? तो हम वहाँ जाएंगे और फिर इसे बदल देंगे, क्यों? ठीक है ना? क्यों, सही है ना? स्नेहा मैडम क्यों शर्मा रही हैं? आपको भी चाहिए क्या? हाँ, बोलिए बोलिए। ए भाई, अगर ये ऐसी हरकतें करेंगे तो तुम्हें वो लड़की कभी नहीं मिल पाएगी। फिर भी हम अपनी ड्यूटी करेंगे ना। तो फिर क्या करोगे तुम? मैं कोर्ट में पेश करूंगा। तुम्हें क्या मिलेगा उसे? मैं कोर्ट में कहूंगा कि एक कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल से ही शादी कर सकती है, एसआई उससे शादी नहीं कर सकता, ऐसा कानून बनाने के लिए। ठीक है, तुम जाकर उससे लड़ो, लगता है कि कोर्ट में जाने से तुम्हारा काम बन जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? मुझे कोर्ट में विश्वास है। ओ, हमारी गाड़ी में अतिथि आ रहे हैं। ये यहाँ पर क्यों है? सर, ताला लगाकर जो चोरी हुई थी वो इसने किया है सर, ये बता रहा है। तुम सब लोग अपना अपना काम करो, आओ। सर, अब आप काम पे लग गए हो क्या? हाँ भाई, इतने दिनों तक आपने अपनी चालाकी से ये रूप बदला, तो अब मैं दिखा रहा हूं। सर, मैं खाकी वर्दी की ताकत दिखा रहा हूँ। मैं इसको सही करके दिखाता हूँ। आज लूटने जा रहा हूँ ना, आज ही एक पुलिस वाले के घर में जाऊंगा मैं, तब तक आप यहाँ बैठकर आराम कीजिए, हैं? क्यो,
सर, सब कुछ सुन लिया क्या? सर सब कुछ नहीं सुना, वो बीच रास्ते में कुछ अड़चन सी आ गई। वो सर आपका उससे संबंध? वो चोर है और मैं पुलिस, ये संबंध है। आए? वो चोर और पुलिस का रहने वाला संबंध? कोई बात नहीं, चोर और पुलिस में क्या संबंध है ये मैं ढूंढ के रहूंगा। अरे ये तो दीवार कूद के जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अच्छा ये जानकारी ले रहे हैं कि कुत्ता घर पर है कि नहीं। मैं पीछे जाता हूँ। अरे ये कटहल के पेड़ के पास, अरे ये कटहल के पेड़ पर क्यों चढ़ रहे हैं? मैं आगे जाकर के देखता हूँ। ये तो किसी के बेडरूम में जा रहे हैं। कितना गंदा आदमी है, क्या कर रहा है ये? अरे अच्छा तो ये चोर पुलिस बन के घूम रहा है। छे, इतना नीच आदमी कितना गंदा काम कर रहा है। अब तो यकीन हो गया कि ये चोर है। इससे क्या करने वाला है? ओह, ये तो चेन काट रहा है। हे भगवान, कितना बड़ा चोर है ये, तो वर्दी वाला चोर है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि खाकी वर्दी की क्या वक्त है। अब तो तू गया। अरे वो कहां गया, कहां गया? अरे कोई बात नहीं, ये कहां चला गया? कोई बात नहीं, मोबाइल से शूट करता हूं, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए, इससे पूरा शूट हो जाएगा। आजा, आना। उठो, क्या ये सब? गुड मॉर्निंग सर। सर आप मेरे घर में कोई लफड़ा हुआ है क्या? अरे ये तेरा घर कब से हो गया? कभी नहीं, ये मेरा घर है। सर सर मैं आपके घर गया था लेकिन लूटने के लिए नहीं गया था सर। अगर लूटने के लिए नहीं गए थे तो फिर क्यों गए थे वहाँ? सर वो आपकी वाइफ का चेहरा देखने के लिए। तेरा दिमाग तो ठीक है ना रास्कल? आपकी वाइफ की इज्जत बचाने की बात कर रहा हूँ। चल बोल। सर पुलिस के भेष में एक चोर है, मैं उसको फॉलो करते हुए वहां तक गया था। सर वो बहुत चालाक निकला, वहां से भाग गया। कौन है वो? वो कौन है सर मैं पता नहीं कर पाया, मैंने उसे शूट किया है सर। ये देखिए वो कौन है, देखिए कौन है आप खुद देखिए सर। मेरे दिमाग को दाद दीजिएगा सर, मैंने क्या किया है, बहुत ही शानदार तरीके से शूट किया है सर। देखिए 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 क्या है ये? मैंने कहा क्या है ये? सर क्लिप बाहर निकल गई क्या? मेरे मोबाइल में कहां से आया सर पता नहीं। तूने शूट किया है, तुझे पता होना चाहिए। सर मैंने इस मोबाइल में कुछ नहीं रखा है, आपको शक हो रहा है क्या सर? मधुमती से पूछिए ना सर। डिलीट करो, तुरंत डिलीट करो। अभी करता हूं सर। सर डिलीट कर दिया सर, कोई सबूत नहीं है मेरे पास। अरे पागल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं सर, नहीं सर, इसे मारने से कोई फायदा नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं सर। वजह मैं हूँ, यूनिफॉर्म पहन के मैं ही आपके घर लूटने गया था। Hey, तुम ये सब इसे बचाने के लिए कह रहे हो ना? एक्सीडेंट के बाद इनके दिमाग चल गया है ना? सर आप चाहें तो मुझे अरेस्ट कर सकते हैं या फिर मुझे सस्पेंड कर दीजिए, यही तरीका है। छे। सर आपका प्लान फेल हो गया है।
मेरा सस्पेंशन हो गया है, फौरन तो नौकरी से डिसमिस करेंगे नहीं ना। सर आप ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश बिल्कुल मत करो, हाँ यहीं पर। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, चैन से जीने नहीं दूंगा मैं तुझे। कुछ उल्टा पुल्टा किया तो मार डालूंगा। सर आप अभी तक भी ऐसी उल्टी सीधी बातें सोच रहे हैं? सुनिए तो, हम दोनों के बीच जो हुआ है ये बात हमारे और आपके अलावा और कोई नहीं जानता है ना, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। हाँ देखिए मुझे कुछ काम करने बाकी है, उसके बाद हम दोनों अदला बदली कर लेंगे ना, ठीक है? सर आपकी जमानत देने के लिए मेरे खास दोस्त आ रहे हैं, उनके साथ शराफत से आप यहाँ से चले जाना। हाँ ओके हाँ? कहिए भाई साहब आपको किससे मिलना है? अरे सिगरेट पी रहे हो आप, पीछे तो मुड़िए। राम जी राय। कौन? राम जी राय हूँ। सर आप याद आया मुझे, ऊपर वाले ने आखिर हमसे मिला ही दिया आपको। अंदर आइए ना, आइए आइए, बाहर क्यों खड़े हैं आप? बताओ जॉन कहाँ है? कौन जॉन सर? हाँ जॉन, हाँ अंदर है, एक मिनट हाँ मैं आता हूँ। हाँ तू आराम से यहाँ पर पेपर पढ़ रहा है, जल्दी से उठ जा। अबे उठ ना, उठ उठ, राम जी राव आ गया, दरवाजे पे खड़ा है वो, जल्दी यार जल्दी आ जा। रामजी राय ये यहां कैसे? रामजी राव ये है जॉन, नमस्ते। जॉन? जी हाँ मैं हूं जॉन। बताओ वो पेटी कहाँ है? हैं? ये भी पेटी के बारे में पूछ रहा है? हाँ किस पेटी की बात कर रहे हैं आप, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम मेरी गाड़ी लेकर गए थे, उस गाड़ी में जो पेटी थी मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो पेटी मैं लेकर ही जाऊंगा, मैंने तुमसे बहुत बार मिलने की कोशिश की लेकिन मिल नहीं पाया। उस पेटी में 5 करोड़ के डायमंड्स हैं। ओए, अब चुपचाप बता दे कि वो पेटी कहां है, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। चल बता। इससे खेल खेलूंगा तो उसे मैं फंसा सकता हूँ, काम भी आसान हो जाएगा और मेरी नौकरी भी मुझे मिल जाएगी। रामजी राव सर मुझे आपसे कुछ कहना है, आपको दूसरी गाड़ी लेनी चाहिए थी, ये गाड़ी बड़ी पुरानी है, बहुत हिलती है, मुझे कमर में दर्द हो रहा है। मेरे पास जो अच्छी गाड़ी थी उसका इसने एक्सीडेंट करवा दिया, ज्यादा बोलेगा तो गोली मार दूंगा। तू चुप रहना, इसके पास गन है। चुप कैसे रहूं, वैसे भी ना ये एक नकली गन है, इससे कोई गोली वोली नहीं निकलेगी, समझे? क्या कहा नकली? इसमें गाना है तो बजाने के लिए बोलना। गाना? स्पीकिंग सर? बहुत बोर लग रहा है, एक गाना बजा सकते हैं? सर मुझे नहीं, इसे गाना सुनना बहुत पसंद है, इसलिए ड्राइवर साहब कोई गाना बजा दो ना। लंबा सफर है, अच्छे से कट जाएगा। बजाता हूँ इसीलिए, प्लीज बजा दीजिए। क्या हुआ? सर ये गाड़ी 1 घंटे में रुक जाती है, आप ये जानते हैं, अभी से धक्का देना पड़ेगा तो फिर चलिए उतरिए। जाओ सब धक्का लगाओ, जाओ। हाँ ठीक है, जल्दी करो। हमें धक्का देना पड़ेगा? हाँ और क्या, फिर से? कैसी गाड़ी है, कोई नई गाड़ी लेनी चाहिए थी ना, बार बार धक्का लगाना पड़ रहा है। जोर से जोर से। अरे धक्का मारना, कितना थक जाते हैं हम। आ जाओ आ जाओ,
चलो 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 जल्दी बैठ जाओ इससे पहले कि गाड़ी फिर बंद हो जाए। चलो जल्दी। सोचा नहीं था कि ऐसी गाड़ी लेकर आएंगे। अब तो बता देना वो पेटी कहाँ पर है। तू पैसा ज्यादा भी ले लेगा तो भी कोई बात नहीं, इस मुसीबत से तो हम लोग बच जाएंगे ना। अरे बताना कहाँ पेटी है, तेरे पाँव पड़ता हूँ यार, बता दे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुम लोगों को कैसे बताऊं। कैसे भी बता दे, हम समझ जाएंगे। क्या है? बहुत जम के प्यास लग रही है, थोड़ा सा पानी पीना था, प्लीज छोड़ दीजिए ना, बहुत प्यास लग रही है, प्लीज। इसकी तो मैं, अरे गन मत दिखाओ, सिर्फ पानी ही मांगा मैंने। और पी ले, और पी ले। मेरी माँ भी मुझे आपकी तरह ही पानी पिलाती थी। आपका नाम क्या है? प्रभाकरण। लगता है आप भी गलती से यहाँ पर फंस गए हैं। मुझे बताएंगे आखिर से क्या हो गया है? इन्होंने मुझे इमोशनल कर दिया। इसे क्या हो गया बे? बोल पेटी कहाँ है? राम जी, आप जो पेटी मांग रहे हैं वो मेरे हाथ में नहीं है। रॉबरी करके वो पेटी मैं गाड़ी से ले जा रहा था, तो उस एसआई ने गाड़ी को ब्लॉक किया था, तो उसने वो ले ली होगी। इस वक्त वो एसआई कहाँ है और उसका नाम क्या है? मोहम्मद हनीफ, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, अभी वो सस्पेंशन पर है। भाई तू हमें तो बेवकूफ बनाता है, इसे मत बनाना, नहीं तो गोली मार देगा तुझे। यकीन कीजिए ये बिल्कुल सच कह रहा है रामजी राय सर। कहां मिलेगा वो? कौन है आप? रामजी राय। तेरा पति कहां है? पति? उसे मरे हुए तो 4-5 साल हो गए हैं। सो आपसे आपको पैसा लेना है क्या? 1-2 लाख नहीं, पूरे 5 करोड़। हाँ, 5 करोड़। रुकिए रुकिए, आप अंदर कहाँ जा रहे हैं? प्रभा, तू उस तरफ देख। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? अरे, और तू उधर देख। अरे अरे, मैं जाने नहीं दूंगी, जाने नहीं दूंगी मैं। रुको, अरे क्या करे? तुम लोग देखो प्लीज मां। पेटी तो मिली है, देखते हैं। पेटी तो मिल गई। हाँ, एक और पेटी, इसे भी ले चलता हूं। अरे इस घर में तो बहुत सारी पेटियां हैं बॉस, लेकिन हमें जो चाहिए वो पेटी नहीं है। बॉस एक और पेटी, देखिए इसे। अरे ये देखिए, ये सब मेरे मेम साहब का है। ए, तुम्हारे मैडम के दाते हैं? नहीं, ये सब बहुत कीमती है। ठीक है, इसे ले चलो, सारी पेटियां उठा लो, एक भी नहीं छोड़ना। चलो नहीं, चल नहीं, आजा मैम साहब, मैम साहब। राम जी राय स्पीकिंग। नो, जॉन पैसे वाला स्पीकिंग। राम जी राय स्पीकिंग। तुम्हारी बीबी और नौकरानी मेरे कब्जे में है। लेकिन मैं शादीशुदा नहीं हूं। हाँ, अबे नंबर तो सही है ना? नंबर सही है। तब ठीक है, मुझे बेवकूफ मत बना। मिस्टर, मैंने कहा ना कि मैं मैरिड नहीं हूं, और वो सर्वेंट, वो मेरी प्यारी डार्लिंग है। उससे कुछ मत करना, उसे छूने की हिम्मत मत करना। हाँ, मुझे तो ये आदमी पागल लग रहा है। हाँ? और लगता है वो बार में है। बार में? हाँ? चलते हैं बॉस। मैं अभी के अभी तुम्हारे पास एक फोटो भेजता हूँ, अच्छी तरह देख लेना। शहर के बाहर जो ओल्ड रेलवे स्टेशन है उसके गोडाउन में तुम मेरी बेटी लेकर आ जाना।
पेटी देना और फिर यहाँ से सबको लेकर चले जाना। पेटी? 5 करोड़ कीमत वाली डायमंड्स की पेटी है वो। मुझे पता है कि वो पेटी तुम्हारे पास है। इस गोडाउन के आसपास मैंने बहुत सारे बॉम्ब लगाए हैं और उसका रिमोट मेरे मोबाइल में है, सिर्फ टच करने की जरूरत है। उसके बाद सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन अरे बाप रे, ये आदमी हमें मार डालेगा क्या? भाई तू पेटी दे दे, तभी हमारी जान बचेगी। पेटी कहाँ, ये किसे पता है? जब तक हमें हमारा डायमंड्स नहीं मिल जाए, यहाँ से कोई बचकर नहीं निकलना चाहिए। वो खुद अगर बच गया तो बॉस, तो मैं तुझे मार दूंगा। हे हे, अरे जा रे। पुलिस, पुलिस। अब्बू तैयार हो जाओ और सब लोग सतर्क रहना। राम जी राय, आप चिंता मत करें, वो लड़की मुझे देखकर हंस रही थी बस। चुप हो जा नहीं तो गोली मार दूंगा। अभी इसकी हरकतें कॉमेडियन की तरह क्यों लग रही हैं? ये एक डरपोक आदमी है, हाथ पैर बांधकर अपनी ताकत दिखा रहा है। वो अकेले आ रहा है या साथ में फोर्स भी लेकर आ रहा है? ये हमें अच्छी तरह जाकर चेक करना पड़ेगा। देखा ना इस आदमी की हरकत, जैसे हम लोग यहाँ फंसे हैं वैसे ये भी फंसा हुआ है। हाँ जाओ देखो। जो आप खोज रहे हो वो पेटी यही है क्या? लग तो वैसी ही रही है, सही कहा ना? ठीक है, ठीक। काफी दिन हो गए ना? नहीं, ये एक्चुअली नंबर लॉक्ड है, तो आपको नंबर पता है क्या? नंबर तो मुझे याद नहीं है। ए, गोली मारकर खोलना। नहीं नहीं, अरे ऐसा मत करना, गोली मारेगी तो सारे डायमंड्स बिखर जाएंगे ना। ओरिजिनल डायमंड्स नहीं खराब होते, और अगर कुछ गड़बड़ होगा तो यहाँ पर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। चल गोली मार। कौन हो तुम लोग? जगुवार हूँ। जगुवार? जगुवार पुल्ला। जगुवार पुल्ला, पेटी तो मिल गई मगर लूटा हुआ पैसा कहाँ है? हम 2-3 घंटे से तुम्हारी गाड़ी का पीछा कर रहे थे अपने साथियों के साथ। तुम मेरे दुश्मन हो, ये थोड़ी देर पहले ही पता चला है। आखिर हमारा और तुम्हारा संबंध क्या है? क्या संबंध है नहीं जानते हो? अभी बताता हूँ। कॉमरेड। हाँ बॉस। हमारा एक लक्ष्य, उसे पूरा करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। हर फंडामेंटलिस्ट, हर एक मंडल अपनी ताकत दिखाएगा। वो और वो बहुत सारी शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। वो कहीं से ऑपरेट कर रहे हैं, हमें उनसे लड़ना है। कहां से बॉस? कहीं से भी, तुम मुझसे सवाल मत करो। इस वक्त लेफ्ट फंडामेंटल फेडरेशन हमारा हाथ बांध रहे थे। हम ये हाथ बांधे तमाशा नहीं देख सकते, इसलिए हमने मजबूर होकर के हथियार उठा लिया। कल की जीत हमारी होगी। अभी हमारी यात्रा बॉम्ब के बीच से होगी। एक आदमी हमें कभी भी अटैक कर सकता है, कभी आगे से कभी पीछे से। ये क्या हो? ये क्या है? खून! अरे 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 अरे, खून! उसे छोड़ूंगा नहीं। हमें सूंघता हुआ कोई सीआई यहाँ तक आ पहुंचा है। मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करके तुम लोग उसे फॉलो करो। फॉलो में ही। बारामूला जंगल में मैं कॉमरेड्स को स्टडी क्लास की ट्रेनिंग दे रहा था। मेरे पिछवाड़े में गोली मार दिया, मैं किससे ये सवाल करूं? हैं, बोलो, जवाब दो।
रामजी राय को बिल्कुल सही आदमी मिला है मेरे भाई, सही। मुझे इस हालत में पहुंचाने वाले को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। दांत का दांत, पिछवाड़े का पिछवाड़ा, मारो इसके पिछवाड़े में गोली। अरे छोड़ मुझे, छोड़ नहीं तो मैं तुझे। सर यही मौका है सर, हम लोग मिलके इन्हें पकड़ सकते हैं। मैं अपनी आत्मा आपको लौटा दूंगा और आपकी नौकरी भी आपको मिल जाएगी। और सर इतना ही नहीं, वो जो बैंक का लूटा हुआ पैसा है ना, वो भी आपको दे दूंगा मैं। लेकिन सर एक कंडीशन है, हम पर कोई केस मत करना। हम चोर लोग कहीं भी जाकर जी लेंगे ना, अब हम लोग एक दूसरे की आत्मा ट्रांसफर। तुम पहले ये गांठ खोलो। अरे ये मैंने कैसी गांठ बांधी है? अरे जल्दी करो, जल्दी। सर 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 जैसा मैंने कहा वैसा करेंगे तो हम मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। सुनिए साहब, साहब चुप चुप चुप। इट्स ओके, सारी कहानी उल्टी हो रही है। तुम ठीक हो ना? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। चल। लेकिन यार क्या हुआ क्या? इट्स ओके मैन, मेरा बात मार दिया मुझे। चल कहाँ ना? मेरे पति पे लोरे डालती है, ठीक कर दूंगी तुझे। ये है मेरी सेल्फी। क्या कर रहा है? सेल्फी ले रहा हूँ, हट टकले। गंदे गन। मैंने कहा गंदे। क्यों? मुझे रामजी राय को गोली मारनी है। अच्छा गोली मारनी है? हाँ। अबे अरे अरे गन वहाँ पर है। अरे नहीं छोडूंगा, मुझे गन लेने दो। अरे अरे छोड़ा, फिर गई। जग्गू हम दोनों को आपस में लड़के कोई फायदा नहीं, हम एक साथ रहेंगे तभी हमारा अच्छा होगा। पागल, हम लोग तो एक साथ ही खड़े हुए हैं। अरे मेरी बात समझ, हमारे आसपास पुलिस है, इसीलिए हमें डील करनी चाहिए। डील? नो डील। ए जग्गू, तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ वो सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। चल बता कितने पैसे चाहिए तुझे, प्लीज जग्गू बोलना कितने चाहिए। तुमने जो कुछ भी किया उसे जाने दो। ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे? भाई तुझे क्या चाहिए तू बता। और सुन, कैश नहीं दूंगा, डायमंड्स दूंगा। डायमंड्स? हाँ। नो डायमंड्स, ओनली कैश, नहीं तो डॉलर्स। जग्गू, डायमंड से तुम कुछ भी ले सकते हो, डॉलर्स भी ले सकते हो, तुम समझे? चलो तो ठीक है, बट वन कंडीशन। वो क्या? ये डायमंड देते वक्त GST, ST, SC, OBC ये सब देना होगा। ओके डील। हाँ। तुम अपनी जबान से वापस फिर तो नहीं जाओगे ना? बिल्कुल नहीं। Hit! 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 Hit!
फोन मिल गया। छोड़ पाओ, छोड़ो, ऊपर उठ जा, जल्दी आ। अब मुझे किसी ने मारा ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि रामजी राय का फोन अब मेरे पास है। तू कोई नंबर बता, मैं फोन लगाता हूँ। बोल कौन सा नंबर लगाऊं, जल्दी बता। 9 9 डी। ये क्या हुआ यार, लगता है किसी मंदिर में पटाखा फूटा। तू नंबर बोल। 8 आसपास बम है क्या? रामजी राव ने आसपास बम लगा रखा है यार, और ये उसका रिमोट कंट्रोल है ये। अरे बाप रे, नहीं नहीं नहीं। सर, वेल डन, गुड जॉब। थैंक यू सर। हे, यहाँ पुलिस भी आ गई। पुलिस वाले भी आ गए, अब तो अब क्या होगा? भाई साहब, क्या हुआ मुझे? अरे चलो यहाँ से, चलो। देखते हैं यार अब आगे क्या होता है, है ना? मुझे रिपोर्ट दिखाओ तो। ठीक है डॉक्टर, इसको क्या हुआ है? एक्सीडेंट हुआ था, हेड इंजरी हुई है। देखिए एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, इन्हें पुरानी बातें याद नहीं रही। वैसे आप लोग? मैं रोजी का फ्रेंड हूँ। ओके। डॉक्टर साहब, इनकी यादें क्या कभी वापस नहीं आएंगी? आ सकती हैं। लेकिन हफ्ता या फिर महीना या फिर पूरा साल भी लग सकता है वापस आने में। गए। थैंक्स। ओके। चलो यार। अबे तुमने पेटी इसे क्यों दे दिया पागल? देखो रोजी के नॉर्मल होने तक हम सब प्रेयर करेंगे, लेकिन पेटी मिलने तक कोई भी इस शहर से बाहर नहीं जाएगा। समझ में आ गई बात सबको? याद रखना। पैसे की कीमत क्या होती है अब पता चल रहा है। अब तो तू खुश है ना? सर, लगता है उस घर में फिर से चोरी हो रही है। कौन है समझ में नहीं आ रहा है सर। अच्छा।